आज जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर पठानकोट के साथ लगते हिमाचल के डमटाल एरिया में पड़ते दुर्गा मंदिर के पास उस समय एक भयानक हादसा हो गया जब नशे में धुत पांच कार सवार लोगों ने आगे जा रहे एक मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। राहगीरों के मुताबिक कार मोटरसाइकिल सवारों को काफ़ी दूर तक घसीटती हुई ले गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें किसी निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। वहीं अगर बात करें नशे में धुत कार सवारों की, तो उन्होंने इतना ज़्यादा नशा कर रखा था कि वह इतना बड़ा हादसा करने के बाद भी होश में नहीं थे। कुछ लोग तो कार में ही नशे में टूल पड़े हुए थे, वह कभी कहीं गिर रहे थे कभी कहीं। इतना ही नहीं, जो लोग कुछ होश में थे उनमें से कुछ लोग राहगीरों व पुलिस से उलझ रहे थे, वे अपनी पहुंच का रुतबा दिखा रहे थे। यही नहीं, कुछ तो पुलिस को मौके पर पैसे देकर बात खत्म करने को बोल रहे थे। लोगों की माने तो यह लोग पठानकोट के एक प्राइवेट अस्पताल जो कि अमनदीप अस्पताल के नाम से जाना जाता है के डॉक्टर बता रहे थे। अगर बात करें तो यह बात सही भी है कि यह लोग इसी अस्पताल के थे, क्योंकि एक तो कार पर डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ था और दूसरा अंदर इसी अस्पताल के सभी कागजात थे। बता दें कि इन लोगों ने इतना अधिक नशा किया हुआ था कि कुछ लोगों की पगड़ियां इधर उधर पड़ी हुई थी और यह लोग कभी गाड़ी के बाहर गिर रहे थे कभी अंदर। उधर हिमाचल पुलिस ने बहुत ही मुश्किल से इन लोगों को काबू किया और फिर अपने साथ ले गई। उधर लोगों ने कहा कि इन लोगों की एक तो बहुत बड़ी गलती है और ऊपर से यह लोग धमकियां दे रहे थे कि हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनकी काफी पहुंच है। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर जब कार सवार नशे में धुत लोगों से बात करनी चाहिए तो यह लोग मुंह छिपाते हुए नजर आए और कुछ नहीं बोले। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। मैं बलबीर सिंह जी, टेंपो यूनियन प्रधान पठानकोट जी। मैं तो माता के मंदिर मत्था टेकन आया ही। मैं देख रहा चार बंदे जिहड़े आ पिछों दी कदी उस पासे कदी उस पासे कदी उस पासे कदी उस पासे जा रहे आ, शराब नाल बिल्कुल रज्जे दे आ, और पिछों बेचारे दो मजदूर जिहड़े आ उह बैठे दे अपने मोटरसाइकल ते बिल्कुल आराम नाल आ रहे आ। इहनां पिछों उहनूं गड्डी मारी आ, उत्थों धकदे धकदे इहनां नूं इत्थे लिया के डिवाइडर दे नाल मारिया, चुके उहनूं चुके मारिया। उहदे बाद इहनां नूं असीं रोकण दी कोशिश कीती, इहनां दौड़न दी कोशिश कीती, असीं दौड़न दित्ता। बंदे दो चार होर आ गए, असीं दौड़न दित्ता। ਇਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਬੂ MLA ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਠਾਨੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੌੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਾ ਪਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੱਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪੂ ਕਿਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਦੋ ਮੁੜੇ ਮੋਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜੀ। संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पठानकोट के डॉक्टर मनदीप शर्मा द्वारा सभी पुराने रोगों का आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा कैंसर, जिगर, पीलिया, पथरी, चरम रोग, पेट के रोग, बवासीर, भंगदर, फिशर, मुंह के दाग, कालापन, जोड़ों के दर्द, अस्थमा, एलर्जी, पुराना बुखार, ल्यूकोरिया, मूत्रपथ के संक्रमण, थायराइड, पीरियड संबंधी समस्याएं एवं अन्य रोगों का इलाज किया जाता है। संपर्क करें उत्तम गार्डन कॉलोनी मनवाल, अपोजिट पटवारी ऑफिस, पठानकोट।